हम जब तक जहां तक जीवों में जानते हैं वहां तक जो है कि सांपों के साथ जो है ना कि जीव मतलब कि नागमणि कोई सांप के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सांप का नागमणि कब होता है, कितने वर्षों में होता है, आप लोग सुने हैं? 100 वर्षों में। तो इस सांप का उम्र जो है ना लगभग 20 से 25 साल ही ये सांप जिंदा रहता है। और ये सांप देखिए कितना खूबसूरत, गजब का नजारा। और ये दीपक जी कैमरा हमें देंगे थोड़ा सा इधर से आकर, ओह माय गॉड, इधर से कैमरा हमारे पास कीजिए। गजब, इस तरह का नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लाजवाब, क्या नजारा है, ओह माय गॉड, गजब का। और चलिए ठीक है, गजब, ओह माय गॉड, और दोनों सांप आमने सामने, गजब। और जैसे जैसे आप लोग मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे आपके तरफ जाएंगे, ठीक है? इसलिए ओह माय गॉड, गजब, ओह माय गॉड, गजब का लाजवाब सीन। और एकदम दोनों तरफ से जो है कि हम समझे मौत से घिरे हुए हैं। और लोगों को सच्चाई बताने के लिए जो है कि ये वीडियो जो है कि गांव वालों के देखिए अभी भी नागमणि चल रहा है, अभी भी नागमणि चल रहा है, इनको लेना है नागमणि, हमको नहीं लेना, इसी को नागमणि कहते हैं। देखिए इस तरह से जो है ना कि कोई भी लोग अगर नागमणि का वीडियो बनाते हैं आपको दिखाते हैं तो वो एकदम सरासर फेक रहता है, इसलिए आप लोग जो है कि ऐसा। और ये नागमणि का सच्चाई जो है कि बहुत ही कम लोग आप लोग को दिखाते हैं, जो कि आज हम जो है कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एकदम गजब का नजारा, ऐसा नजारा रियल में बहुत ही कम देखने को मिलता है, ओह माय गॉड, गजब का नजारा इस तरह से, ओह और काफी पसीने, ओह माय गॉड। और ये देखिए ये हमारे जो है कि शैडो मतलब छाया का जो है कि ये जो है कि जैसे जैसे छाया हमारा इसके तरफ हिलेगा वैसे वैसे उसके तरफ आकर्षित हो रहा है, देखें। और जैसे जैसे लोग उधर जा रहे, गजब का नजारा, ओह माय गॉड। और ये नजारा देखने को ही जो है ना कि एकदम लाजवाब। चलिए इसे अब हम लोग सही सलामत रेस्क्यू कर लेते हैं और सही सलामत इसको हम लोग जंगल में ही छोड़ देंगे, और इससे तो कोई काम नहीं है। और चलिए इसको हम लोग एक एक कर जो है ना कि हम लोग डब्बे में पैक करते हैं। हाँ एक मिनट, ठीक ठीक, मतलब कि चलिए एक सांप को हम लोग पैक कर दिए हैं और दूसरा सांप को भी हम लोग पैक कर देते हैं। जी कै साल, ये करीबन 10-15 साल 20 साल पुराना सांप होगा, ये 5 साल और जिएगा। चलिए इसका ढक्कन एक दे दीजिए, काटने के बाद कितना घंटा जीवित रह सकता है वो बात। चलिए ये दोनों सांप को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया और सही सलामत इसको हम लोग जंगल में ही रिलीज कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और इंटरेस्ट वाली अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।